तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवेज़ ने 30,000 करोड़ रुपीज़ के बिडिंग प्रोसेस को फिर से रीएवेलुएट करने का डिसीजन लिया है। पिछले साल 12 क्लस्टर्स ऑफ सच ट्रेन सर्विसेज के लिए भी टेंडर फ्लोट किया गया था, बट किसी भी प्राइवेट कंपनीज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, जिसको फिर से ओपन करके टेंडर फ्लोट किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट गुजरात से आ रही है, जहां पर एनजी ने 200 मेगावाट सोलर प्लांट्स को रेगनाइज द सोलर पार्क गुजरात में कमीशन कर दिया है। एनजी का इसी के साथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट हो गया है। कंपनी के अनुसार ये न्यू प्लांट 546 गीगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ये प्लांट जनरेट करेगी, जिसके चलते 387,056 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की भी कमी आएगी एनुअली। दोस्तों अगली अपडेट दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स को एलिमिनेट करने का डिसीजन लिया है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स आइटम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को 30 जून 2022 के बाद क्लोज करने का डिसीजन लिया है। दोस्तों अगली अपडेट जेएमके की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडिया 2021 के क्वार्टर 2 में 1.5 गीगावाट यूटिलिटी स्केल सोलर कैपेसिटी को ऐड किया है एंड क्वार्टर 3 के एस्टिमेशन के अनुसार 3.1 गीगावाट सोलर एंड 1 गीगावाट विंड एनर्जी को भी ऐड किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट बिहार से आ रही है, जहां पर पटना एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग एंड अदर एलिड स्ट्रक्चर्स का 26.75% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके लिए सेंटर ने 1,216.9 करोड़ रुपीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एलोकेट कर दिए है। पटना एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट के ऑफिसियल्स के अनुसार बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कराया जाएगा एंड अदर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट को दूसरे इंडियन स्टेट से इम्पोर्ट कराया जाएगा। इस न्यू टू स्टोरी बिल्डिंग सालाना 80 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा एंड डिपार्चर लॉन्च को फर्स्ट फ्लोर एंड अराइवल एरिया ग्राउंड फ्लोर में होगा। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में 52 चेक इन काउंटर्स, इन लाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, 5 कन्वेयर बेल्ट्स एंड एरो ब्रिजेस भी होगी। दोस्तों अगली अपडेट गोदरेज ग्रुप की तरफ से आ रही है, जहां पर गोदरेज ग्रुप ने इंडियन रेलवेज के साथ पार्टनरशिप किया है रेलवे कोच को बनाने में लगने वाला समय को हाफ टाइम में पूरा करने में हेल्प करने के लिए। करेंटली 24 आवर्स तक समय लगता है रेल कोच को डेवलप करने में, जिसे घटाकर 12 आवर्स तक किया जाएगा। गोदरेज ग्रुप का इंडस्ट्रियल मशीन सेगमेंट में 100 करोड़ रेवेन्यू आने वाले 3 ईयर्स में करने का प्लान है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।